ओएनजीसी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता ने कैप्चर की है, आइए वो खास कॉन्वर्सेशन आपको एक बार सुनवाते हैं। इंडिया एनर्जी वीक एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया भर में एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं और एक क्राइसिस जैसी स्थिति है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रहा है, और दूसरी चीज ओएनजीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये सारा फोरम एक इज ऑल अबाउट जिसको बोलते हैं ना कोलैबोरेशन के बारे में। यहाँ सारी कंपनियां आई, एक दूसरे से उनकी वार्तालाप हुई, उनके जो मुद्दे हैं वो एक दूसरे के सामने रखा, और उसी फ्रेमवर्क में जो ये कोलैबोरेशन का फ्रेमवर्क है, और चूंकि इंडिया अगले 25 साल में 24 साल में एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, और डेवलप्ड नेशन बनने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है पूरे दुनिया में जहाँ भी जितनी ज़रूरत है, जितना ग्रोथ होगा उसका 25% सिर्फ इंडिया से मिलेगा, वो भी 2040 तक। तो 40 तक ही मतलब आई एम सेइंग 40 के बाद शायद 25-50 हो जाए, लेकिन 2040 तक ग्रोथ का जो 25% हिस्सा है वो इंडिया में है। इसलिए उनके लिए भी इंडिया, सबों के लिए इंडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया का एनर्जी नीड कैसे मीट होगा, इसमें दो रास्ते हैं, कुछ कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस से मिलेंगे कन्वेंशनल फील्ड से, और कुछ रिन्यूएबल से मिलेगा। इंडिया को दोनों की ज़रूरत है, इंडिया को दोनों की उतनी ही ज़रूरत है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि आइदर और, ये एंड वाली दुनिया है। इसलिए उस हिसाब से हम यहाँ आए कि और वो पांच जो ओएनजीसी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें हमने बहुत लोगों से बात की है। उसमें सबसे पहला क्षेत्र जो है वो हमारा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है अभी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए, वो करीब 30% सेडिमेंट्री बेसिन का एरिया है। तो एक वो है, दूसरा है कि हमारी जो रिकवरी जो हम निकाल प्रोड्यूसिंग फील्ड है उसकी जो रिकवरी है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, ये काफ़ी रेयर मैनेजमेंट आपके लिए पेश है। हमारे बैंगलोर से प्रशांत प्रियदर्शी इंडिया एनर्जी वीक अटेंड करने गए थे, वहाँ ओएनजीसी से बातचीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको खबर सुनवाते हैं। काफ़ी स्वदेश मूवमेंट है ये।